दिस इज़ मानसी पोरवाल ऑन द बिहाफ ऑफ जयत्री अकेडमी क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ चैप्टर थर्ड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में आज का टॉपिक है एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट में एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए बेटा। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 35,596 बाइक्स एवरी मंथ। बाइक्स एवरी मंथ इतनी क्या करती है बेटा, प्रोड्यूस बनाती है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ बाइक्स प्रोड्यूस बाई द फैक्ट्री इन वन ईयर। तो एक साल में वह कितनी बनाएगी, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बाइक्स प्रोड्यूस इन ए ईयर। वी नीड टू मल्टीप्लाई बाई 12, मतलब 35,596 बाई 12। तो 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, वन ईयर इक्वल टू 12 मंथ। तो 12 मंथ में जितनी बाइक्स बनाएगा उतनी आएगी बेटा पूरा वन ईयर की। तो फिर एस्टिमेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 35,596 को राउंड आउट कर देंगे 1000 में, तो 1000 थर्ड प्लेस चेंज कर हो जाएगा। थर्ड प्लेस पे क्या है 5, तो आगे एक इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36,000। एंड 12 को राउंड अप कर देंगे, 12 का राउंड अप कितना होगा 10। अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर कितना आएगा 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, 36,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो आपका आएगा 360,000। एंड द एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, 35,596 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, तो एक्चुअल आएगी आपकी 427,152। अब है एक्सरसाइज 3.1, फिल इन द ब्लैंक्स। 32 मल्टीप्लाई 14 ग्रुपिंग में है प्लस 8, एंड 32 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा, 32 का मल्टीप्लाई 14 में हो रहा है प्लस 32 मल्टीप्लाई 8, 43 मल्टीप्लाई 23, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इक्वल में 23, जो इक्वल होगी तो दोनों में इक्वल होनी चाहिए ना, तो 43 मल्टीप्लाई ब्लैंक इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई ब्लैंक। 1 मल्टीप्लाई 45 का करेंगे कितना आएगा 45। अब जीरो आया तो इसमें मल्टीप्लाई जीरो का हुआ है, किसी डिजिट में जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है। अब 8,453 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, तो 8,453 प्लस कितना आएगा 8,453 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 में करेंगे तो वही आया प्लस, और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आएगा 8,453। नेक्स्ट है 30 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई जीरो ग्रुपिंग है, तो 40 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई जीरो। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग आपको बेटा ऐसे ही अरेंज करके लिखना है। कंप्लीट द एक्सप्रेशन, आपको ये एक्सप्रेशन को कंप्लीट करना है। 32 मल्टीप्लाई 10 में करेंगे कितना आएगा 320, ऐसे ही 1000 का करेंगे 10,000 का करेंगे, ये सारे आंसर आपको निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लाई द फॉलोइंग 562, इसमें भी सारे में मल्टीप्लाई करना है बेटा आपको अरेंज करके। यूज सुटेबल ग्रुपिंग टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, आपको प्रोडक्ट ऑफ जो भी सुटेबल मेथड लगता है वो लिखना है। मैंने आपको पीछे सुटेबल मेथड बताए थे, एक था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एक था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एक था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तीनों में से जो भी आपको बेटा तीनों प्रॉपर्टी में जो भी समझ में आए वो सुटेबल मेथड इसमें यूज़ करके लिखना है। इसका एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, आप पहले एस्टिमेट निकालेंगे दोनों का, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे।